तो यार टेलर स्विफ्ट एमसीयू में आने वाली है एंड डॉक्टर स्ट्रेंज 3 से मेजर अपडेट है। तो बिना किसी इंट्रो के स्टार्ट करते हैं। ब्लू बीटल जिसकी परफॉर्मेंस अभी सही चल रही है क्योंकि रोटन टोमेटो ने इसे 76% क्रिटिक स्किन और 92% ऑडियंस ने इसे अच्छा बोला है, बट क्या करें अभी डीसी का टाइम ही बुरा चल रहा है। एंड बात रही इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो वर्ल्ड वाइड 25 मिलियन हुई है और इंडिया में 6 करोड़, जो कि शायद और बढ़ जाए। एंड गाइस मूवी के साथ एक रूमर ये भी आई थी कि इसमें बेन एफ्लेक के बैटमैन का कैमियो था जिसको जेम्स गन ने डिलीट करवा दिया, जिसके बाद जेम्स गन ने रिवील किया कि इस मूवी में कोई दूसरे करेक्टर का कोई कैमियो नहीं था। चलो अब टेलर स्विफ्ट के बारे में बात कर लेते हैं जो शायद डेडपुल 3 में डेजलर का रोल प्ले कर सकती है। और अगर आप डेजलर को नहीं जानते तो मैं बता दूं वो कॉमिक में एक रॉकस्टार सुपरस्टार एंड सिंगर है और अपने ही सॉन्ग को लाइट में यूज करके लोगों को अंधा कर सकती है और यही इसकी पावर है। वैसे भी ये डेडपुल 3 की मूवी है जिसमें क्रेजी म्यूटेंट्स दिखेंगे तो शायद डेजलर का अपीयरेंस हो ही जाए। अब बढ़ते हैं मेजर अपडेट डॉक्टर स्ट्रेंज 3 पे। अगर आपने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स को पोस्ट क्रेडिट सीन देखा होगा तो लोग यही कह रहे हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 यहीं से शुरू होगी एंड ये कॉमिक डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम्स रन आउट से एडेप्टेड होगी और यही मूवी डायरेक्टली सेटअप करेगी कैंग डायनेस्टी को, जिसमें मल्टीवर्स के कई ऑर्गेनाइजेशन भी दिखेंगे जिसमें क्रिया भी एक मेंबर है। तो शायद तुम एमसीयू और डीसी से फुल्ली अपडेट हो चुके हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।